दैट मच डिटेल बट कुछ कुछ पॉइंट्स व्यक्त मुझे लगता है बोरिंग हो जा रहा है कि बंदा बोलता जा रहा है बोलता जा रहा है आप उसको uh, we have ghair, we have, सुन रहे हैं वी हैव नादानी हैव जफा वी हैव जर पत्तों का बन वी है लेट्स विध बिस्मिल बिस्मिल की सेकेंड एपिसोड आई और उसमें दो तीन चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी जो हमें पहली एपिसोड में भी बहुत अच्छा लग रहा था कि मूसा और उसकी माँ का ताल्लु अगेन ही इज देयर विद हवर ही इज़ थिंकिंग अबाउट एट और इसमें मूसा की जो मेंटल हेल्थ पे अफ़ेक्ट हुआ है जो उसके इमोशंस को पे अफेक्ट हुआ है उसको एक स्टेप आगे लेकर गए हैं उसको और एक्सट्रीम पे दिखाया कि उसने गन जो वो देख रहा था उसको एक्चुअली उठाया और वो मासूमा uh, के घर पहुंच गया समथिंग दैट आई थिंक जिन्होंने प्रोमो देखा उनको एक्सपेक्टेड होगा मैं शायद इतना एक्सट्रीम एक्शन फ्रॉम मूसा नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी कि क्योंकि वही मैंने पहले भी बोला था हमें मूसा को बहुत ना कोई भी साइन नहीं दिए थे तो येस yes, ऑन वन हैंड आई डू अंडरस्टैंड कि वो बता रहे हैं कि जब कभी ऐसी चीज़ हो तो वो ट्विस्ट भी हो जाता है इंसान बट मुझे लगता है कि फिर थोड़ा सा ये डेफिनेटली उसको दिखाया था कि अपने घर वालों से बहुत अटैच है उसके लिए उसकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत वो तो सॉफ्ट इंसान है बट शायद ये भी दिखाते हैं कि उसको अपनी इज्जत का अपने उसका बहुत ज़्यादा या माँ के साथ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वो है यहाँ मुझे साइकोलॉजिकली अगर मैं फैक्टर्स देखूँ तो मुझे ये समझ आती है कि वो जो उसकी सेफ्टी सिक्योर यूनिट थी वो टूट गई ठीक है दैट्स वाई ही इज़ हैविंग दैट अफेक्ट उसका जो बाप जिसको वो आइडियलाइज करता था उसका वो आइडल टूटा और वो जो उसको मेटेरियल का फैक्ट आ रहा है वो फीलिंग उसको इस एक्सट्रीम पे ले जा रही है बिकॉज आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि मुझे समझ आ रहा था, उस था उसका रोना मुझे समझ आ रहा था उसका जज्बाती आउटबर्स्ट उसका गन पकड़ के जाना और उसको ऐसे यू you नो know, थ्रेट करना वो मुझे थोड़ा सा मैम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि वो क्यों इतनी एक्सट्रीम पे चला गया तो फिर मुझे फिर मैं सोचती हूँ शायद उन सब चीज़ों की वजह से उसके दिमाग में कोई चीज़ ट्विस्ट की एंड ही डिड दैट बट सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आई थिंक ड्रामा हाईलाइट कर रहा है कि जब घरों में कुछ होता है तो बच्चों पे कितना अफेक्ट होता है एंड चाहे वो किसी भी एज के हो और आई थिंक जितने आप बड़े होते हैं आपको बेज़ती का एहसास आपको अपने घर के टूटने का एहसास शायद ज़्यादा होता है और मूसा को वैसे भी आपने एक सॉफ्टवेयर दिखाया था सेकेंड um, रिहाम का जो पूरा था वो बड़ा अच्छा था कि कैसे वो चीज़ें याद कर रही थी कि देखो और होता यही होगा ना और होता यही है कि एक रिलेशनशिप में कितने अच्छे मोमेंट्स आते हैं उन मोमेंट्स पे आपने ये नहीं सोचा होता कि ये इंसान आपके साथ ये करेगा एंड वो आई थिंक मुझे लगता है इस पर भी ट्रिगर वार्निंग होनी चाहिए थी अलॉट ऑफ पीपल हु वुड हैव गॉन थ्रू यू नो हार्ट ब्रेक और बिट्रेल और डाइवोर्स और समथिंग लाइक दिस जिसमें उनके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली हो इस तरीके से उसको धोखा दिया हो उनको ये एक तमाम अपनी मेमरीज याद आई होंगी उनके दिल को बुरा लगा होगा क्योंकि टी टी ने उसको धोखा दिया है ही वॉज चीटिंग ऑन हर ही डिड नॉट टेल हर एनी थिंग उसके पीठ पीछे जाके छुप के उससे शादी की और फिर उसको ये इंप्रेशन देता रहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं और तुम मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ एंड पिछली बार भी ये कहना भूल गई जब वो लेकर आया था ना शर्ट्स वो डिस्कस कर रहा था तो जो मासूमा ने उसके लिए शर्ट्स खरीदी थी, थी वो इतना कोई अजीब सा सीन था कि कि मुझे रिहान पे तरस आ रहा था कि देखो ये इस बेचारी को पता ही नहीं इसके साथ क्या हो रहा है यू नो इन दैट होल सीन कि वो किस तरह टी टी उसकी इमोशन्स के साथ खेल रहा है अगेन uh, अब हम अगर टी टी पे आ जाएं तो उसको कैसा दिखाया है बंदा कि ही इज़ अ सेल्फिश मैन एक्चुअली यू नो क्योंकि वो उसको भी मूसा को भी कहता है इस तरह तो मैं अकेले रह जाऊँगा एंड देन वॉइस ओवर आता है कि जब वो कहता है कि मेरा सारा अच्छा किया भूल गए ऐसे होते लोग एंड आई वाज लाइक लुक एट वट यू हैव डन यू नो टी टी को तो दिल चाहता है कि पकड़ कर ना झंझोड़ के इंसान बताया कि यार तुम्हें तुम्हें इतना सा भी रिग्रेट है कि तुमने क्या किया है तुमने अपनी वक्ती लश्ट के लिए और खूबसूरती के पीछे तुमने ये कर लिया है एंड इट्स जस्ट लाइक यू नो टी टी रेली मेक्स यू फील्स केयर्ड कि वट द अदर पर्सन इन रिलेशनशिप कैन डू जो और एक चीज़ मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी वो मासूमा का रिएक्शन एंड मूसा का रिएक्शन क्योंकि अब मूसा ने अपने बाप से कहा कि अगर आपने उसको नहीं छोड़ा तो अच्छा मैं सोची थी वो कहेगा आ, तो मैं आपको छोड़ दूँगा या आप हमारी जिंदगी से चले जाएंगे उसने कहा या तो वो जिंदा रहेगी या मैं ज़िंदा रहूंगा नाउ अब आपने हमें कुछ एक्सट्रीम एक्शन की तरफ जाने की हिंट देना शुरू कर दी है क्योंकि उसके बाद मासूमा ने भी अपने माँ से बोला इस घर से एक मैय गुजरी निकली है तो उनके घर से भी होगा uh, जो वो कहती है ना मौत के बदले मौत और पता नहीं कुछ इस तरीके का एंड दैट इज़ गिवन द होल स्टोरी अ डिफरेंट ट्विस्ट बिकॉज ये मैं कंप्लीटली एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मासूमा इस हद तक जा सकती है उसको अपनी गलती अपना कुछ भी नज़र नहीं आता है एंड उसको लगता है कि उसने सही किया और अपने बाप की मौत का बदला अब टीटी के घर से लेगी अब वो क्या करेगी क्योंकि उस वक्त रिहान के पास जो चॉकलेट्स आई मुझे उससे थोड़ा सा डर लगा कि ये ये उसने जहर तो नहीं भिजवाया बट नो क्या होगा क्या वो कोई एक चाल चलेगी जिसकी वजह से वो आ, कुछ मजबूर कर देगी इनको टू टेक एन एक्सट्रीम एक्शन और विल शी रियली डू अ मर्डर इज इट गोइंग टू ब थ्रिलर दैट वी आर गोन वॉच तो ये सब क्योंकि अब मूसा भी दर यही सोच रहा है कि वो कह रहा है मैं तो छोड़ूंगा नहीं एंड आई थिंक मूसा का जो अपने बाप के साथ कॉन्वर्सेशन थी वो भी थोड़ा सा परस्पेक्टिव देती है मूसा की इस हालत के बारे में कि उसने कहा कि आपने मुझे वो इंसान बना दिया जो एक नाज, जो एक सॉफ्ट इंसान होता था आपने मुझे बदतमीज़ रूज रूड और एरोगेंट बना दिया यू नो एंड उसकी माँ के साथ उसका ताल्लुक बहुत खूबसूरत है दैट जस्ट ब्रेक्स योर हार्ट एंड यू फील गुड कि एटलीस्ट रिहान के पास कुछ भी है बट बिस्मिल्लाह ने एकदम से पलटा खाया और उसने वो चीज़ें दिखा दी हैं जो हम शायद सोच नहीं रहे थे अब uh, मूसा की मंगेतर समझ सकेगी नहीं समझ सकेगी कि उसके साथ क्या हो रहा है मूसा ने उसको क्यों नहीं बताया ये भी मैं सोचूँ अगेन इज़्ज़त की बात अगेन अपने माँ की की इज़्ज़त अपने बाप की इज्जत को बचाने की कोशिश कर रहा है बिकॉज़ आई थिंक ही इज थिंकिंग की चीज़ सॉल्व हो जाएगी मैं अपने बाप को प्रेशर कर लूँगा कि वो उसको छोड़ दे लेकिन आई डोंट थिंक टी टी विल डू इट बिकॉज उसको कोई रिग्रेट नहीं है जब तक आपको रिग्रेट नहीं हो जब तक आपको अफसोस नहीं हो मेरा नहीं ख्याल है पैसा कुछ कर सकते हैं दैट इज़ ऑल वी कैन गो टू सुन मेरे दिल सुन मेरे दिल की सेकेंड एपिसोड आई एंड मैं सोच रही थी कि बिलल अब्दुल्ला किस तरीके से सदफ़ को नौकरी देगा एंड बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट था मैं वही क्यों ना बिलल की शख्सियत जो है ना वो बड़ी बड़ी इंट्रस्टिंग और बड़ी यू नो क्यूरोसिटी आपके अंदर बिल्ड करती है और आपको पता चलता है आई फील देट हीज़ ही इज़ अ मैनिपुलेटर एट द एंड ऑफ द डे डीप डाउन अब वो मैनिपुलेशन उसकी अच्छाई की तरफ जाएगी या उसकी बुराई की तरफ ज़्यादा जाएगी हमें टाइम के साथ पता चलेगा क्योंकि उसने पूरी सिचुएशन को ऐसे किया उसको दिया अपॉइंटमेंट लेटर नामदार साहब को और बोला कि मैं वो चार दिन नहीं हूँ उसको बिल्कुल काम डाउन कर दिया इनफैक्ट उसको शर्मिंदा कर दिया ये ये देखिए ये बड़ी चाल थी ना उसको शर्मिंदा कर दिया कि मैं चार दिन नहीं हूँ शी विल वर्क एंड ना फ़िक्र नहीं करें उसको मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है इसी बात का आपको डर था ना कि मतलब इंसान को पानी पानी कर दे उसके बाद बिलाल साहब ने बहुत आराम से बोला क्योंकि अगर वो कहीं और आ, नौकरी करेगी तो आई फील आई विल स्लाइटली फील इंसल्टेड और मतलब क्या चीज़ हो यार अच्छाई की है और इतना उसको किया अब उसके ऊपर तुमने अपनी एरोगेंस भी दिखा दी कि मैं ये भी बता दूं कि जो आप ये है ना मतलब कै नॉट कि आपकी बेटी होटल मैनेजमेंट में करके मेरे होटल में काम नहीं कर रही हो तो ईगो उन साहब की है बहुत ज़्यादा मेनिपलेशन भी है उनकी बट एट द सेम टाइम सॉफ्ट साइड भी है थोड़ा वो ही आई थिंक ही इज़ ही इज़ दिस कॉम्प्लेक्सड पर्सन जिसको नामदार साहब की चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं वो उस तरफ जा रहा है एंड ही इज़ फाइटिंग विद विदन हमसेल्फ टू कि वो किस रस्ते पे जाए लेकिन उसके पास कोई इतनी स्ट्रांग मोटिवेशन नहीं है जो उसको um, इन चीज़ों से दूर करके सही गाइडेंस दे सके ऑफकोर्स नामदार साहब उसके साथ हैं है, बट तो ही इज़ नॉट टेकिंग हिम एज़ अ प्रोजेक्ट कि मैं तुम्हें हील कर दूँगा अब वो सदव से कितनी मोहब्बत करता है अगले एपिसोड की uh, जो झलकियाँ वो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी पूरा जो हर्षा का और अमार का जो ट्रैक था अननेसेसरी लगा मुझे समझ नहीं आया बट आई एम रियली फाइंडिंग हीरा मानी कैरेक्टर सो इंटरेस्टिंग द वे उसको कहती है ना जहर की पुड़िया साथ लेके जाना और खा लेना वरना औरतें समझती हैं इस मर्द में हिम्मत नहीं है एंड आई लाइक वाओ बिकॉज आज तक हमने ना हीरा को बड़े ना वो रोने वाले और बड़ी सॉफ्ट से उसमें देखा अब तो हिररा का एक और ही साइड नज़र आ रहा है एंड शी इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब एंड आई लव हर होल यू नो उनकी जो ड्रेसिंग है उनका मेकअप उनके बाल बहुत बहुत कूल लग रही हैं और पूरे ड्रामे में जहाँ इतना वो ट्रेडिशनल वो दिखाया शीकम्स एस ए वेरी फ्रेशिंग चेंज ऑन द स्क्रीन एंड हर करेक्टर अगेन लाइक योर थिंकिंग इस त मजाक रही शी जस्ट प्लेंग विद इज माइंड एंड यू नो कॉलेज में लोग एक दूसरे के साथ ऐसी मजाक करते हैं इज़ दिस नहीं या वाकई वो सीरियस है या इसकी कोई मोटिवेशन है और वो बिल के बारे में क्या सोचती है सो सो मनी क्वेश्चन देर आर गोइंग इन योर माइंड अगेन सदफ ने जो अमार के साथ किया मैं उसके हक़ में नहीं वो पानी गिराने की कोई जरूरत नहीं थी आराम से बात कर लेती एंड आराम से बात कर ले करके उसको समझाती कि भाई मैं किसी और में इंटरेस्टेड हो तो न मैं तुमसे नहीं हूँ और हमार साहब तो ना अपनी दुनिया में है पूरी दुनिया में आग लगे और अमार साहब अपनी मस्ती में अपनी अपनी हस्ती में बिजी है कि दानिया आई दानिया रो रही है वो सैंडविच खा रहा है दानिया आई दानिया कुछ कह रही है वो फिर सैंडविच खा रहा है अपना खाने में मगन है न, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा दानिया का कैरेक्टर आई होप आगे जाके थोड़ा बेहतर हो जाए बिकॉज मैं नहीं एन्जॉय कर रही बिल्कुल भी मुझे उसकी डेस्परेशन उसका रोना बिल्कुल भी समझ नहीं आता आई वॉन्ट टू गिव अ big shout आउट टू द ड्रामा फॉर शोइंग इन डिटेल कि किस तरीके से ल्यूकीमिया को डिटेक्ट करना उसका वो सब उन्होंने बड़ा उससे दिखाया है रिसर्च बात हो रही है यू you नो know, टर्म्स यूज़ हो रही हैं और किस तरीके से फिर पैसों की बात हुई तो उन्होंने ऐसा नहीं किया कि बस ये दिखा दिया दे आर गोइंग इन टू डिटेल्स और डिटेल्स की बात पर तो जो सदफ़ कढ़ाई बना रही होती है प्याज टमाटर चिकन बहुत ही मज़े का वो सीन था ए वो सो लाइक इट मेड यू वो ना लाइक इट ब्रॉड ट्यू टू वर्ल्ड स्क्रीन सो जैसे जैसे हम लोग आगे जा आगे जा रहे हैं हमारे ड्रामों में जितना रियलिस्टिक यू नो पोट्रेल होती है जिंदगी की और जितनी डिटेल्स होती हैं उतना ही ड्रामा अच्छा और मज़े का लगता है और आपको ड्रामे के साथ एक कनेक्शन बनता है लाइक like, वो विजुअली इतना कोई मज़े का सीन था देखने का एंड यू लाइक एंड इट वॉज बिल्डिंग इट अब क्या होगा अब इसे चिकन डाल दे अब कुछ और होगा मसाला डाल दे इस थिंग हैपन बिकॉज ये ऐसे तो नहीं दिखा रहे होंगे सो so, um, बड़े मज़े की वो चीज़ें थी हमारे साहब खुश हैं कि चलो किसी और से प्यार तो नहीं करती वो डिलून में है कि चलो शायद मेरे पास मेरे साथ ही हो जाए इवेंचुअली सो so, सुन मेरे दिल कीपिंग इज़ ऑल इंटरेस्टेड ये मुझे समझ नहीं नामदार साहब अपनी बीवी से क्यों छुपा रहे हैं ये सदियों और जो है ना कॉन्सेप्ट कहाँ से है क्यों है ये मुझे समझ नहीं आती है नेक्स्ट ड्रामा हमारे पास है गैर सो so, गैर में मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि गैर में उस पर शक होगा वफा पे सालिस के साथ और उसकी शादी फरजात के साथ हो जाएगी और फिर वो कुछ अर्सा हम देखेंगे कि वो कंफर्म उसको यकीन दिला रही है एंड एवरीथिंग लेकिन वो जो हुआ वो तो बिल्कुल ही ऑपोजिट टू व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग हो गया आई लाइक इट द वे द ड्रामा पुल्ड इट ऑफ ठीक है क्योंकि बहुत जगहों पर ऐसा होता है कि आपको लगता है यार ये बहुत ज़बरदस्ती का सीन है लेकिन उन्होंने दिखाया कि वाकई फरजात इतने गु़स्से में था कि शायद वो गन चला देता अ लिटिल वॉइस इनसाइड मी अ लिटिल पार्ट ऑफ मी स्टिल सेज कि शायद वो नहीं चलाता इतने घर वाले थे वो बचा लेते बिकॉज आई एम फीलिंग बैड फॉर वफ़ा कि उसकी शादी जो है वो आ, सालिस से हो गई है मुझे मैं नहीं चाहती ऑफ़ कोर्स एंड जो सालिस अभी कर रहा है वो तो और भी ज़्यादा बुरा है तो इस, इस बात को सोच के लेकिन आई लाइक इट कि बहुत हद तक ड्रामे ने बड़े अच्छे तरीके से दिखाया कि सिचुएशन जिस तरीके से हुई सालिस और वफा की शादी मेड सेंस के सालिस को भी डर लगा और सालिस ने तो सोचा अभी वक्ती तौर पे ये बात है ये बात आई जाए, आई गई हो जाएगी ही डेंट थिंक कि उसके चचा जो है या उसके मामू जो हैं वो एक्चुअली कहेंगे कि निकाह कराओ वफा के साथ और अभी निकाह कराओ अभी ले जाओ उसने तो झूठ बोला शिफा का साथ दिया और इल्ज़ाम वफ़ा पर लगा दिया थिंकिंग कि हम अभी अभी सिचुएशन को डिफ्यूज़ कर देंगे अभी कम हो जाएगा बट उसके बाद भी गुस्सा चढ़ता है कि भाई जब निकाह की बात हो गई उस वक्त बोल देते हैं लेकिन उस वक्त भी वो दोनों कुछ नहीं बोले एंड वफा रोती रह गई वफ़ा रोती रह गई तो उसका निकाह हो गया दादा दादी भी गुस्सा हैं दादा दादी भी नाराज़ हैं उनसे थोड़ी सी मुझे डिसअपॉइंटमेंट थी कि कुछ तो सोचते हैं बट आई गेस एवरी थिंग वॉज़ गोइंग अगेंस्ट वफ़ा एंड सालिस ने भी कुछ नहीं बोला तो फिर वो कौन उसको आके बचाता बट ये एक चीज़ हुई जो बहुत इंटरेस्टिंग थी और मैं ऐसे बैठ के देख रही थी पूरा सीन के क्या होगा क्या होगा परफॉर्मेंसेज सबकी बहुत अच्छी थी अब बिग शाउट आउट टू अधल हुसैन द वे ही परफॉर्म की उस फरजात के ऊपर क्या गुजरती है वो रो रहा होता है उस, उसकी तकलीफ और फिर दूसरे दिन भी जब उसकी माँ के उसको बताती है तो ही इज़ इन रियल पेन एंड आई थिंक अदील हुसैन डिड अ रियली ग्रेट जॉब सालिस का भी आई वॉन्ट टू मैंशन उसामा कि वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि ही इज़ लाइक इन इन अ ट्रांस बट एट द एंड ऑफ द डे ही इज़ दैट गायज हुजेंट टेक एनी थिंग टू हिज अपने दिमाग पे इतना अपने दिल पे इतना चढ़ाता नहीं है ही इज़ बॉर्डर बट नॉट दैट मच कि होटल में गए बाप ने निकाल दिया है चाय बनाई उसको दी नहीं ली वफ़ा ने तो खुद बैठ के पी रहा है मेरे तो सर में दर्द हो रहा है उससे बोल रहा है तुम्हारे साथ मेरे तुम्हारे साथ साथ मेरे साथ भी तो बुरा हुआ है एंड आई वॉज जस्ट लाइक मैं सोची थी अगर मैं वफ़ा की जगह होती तो मैं तो उसका सर पाड़ देती है वट आर यू टॉकिंग अबाउट देर वॉज वन सीन जब शादी के दूसरे दिन um, सभा हमी का कैरेक्टर आके वफ़ा के पास बैठता है ना, वफा बिल्कुल ऐसे टोटली लॉस्ट है आई रियली लाइक उश्स परफॉर्मेंस एट दैट पॉइंट इन टाइम बिकॉज इट सीम लाइक शी इज़ शी जस्ट लॉस्ट शी इज़ लॉस्ट ऑल हर वर्ल्ड शी डजेंट नो वॉट टू डू बस वो देख रही है उसकी बात इस तरह एंड वो वो सीन बहुत इम्पैक्टफुल था क्योंकि उस वक्त वफ़ा रो नहीं रही होती है वफ़ा का चेहरा जो है वो ब्लैंक है um, अम्मा खुश हैं सालिस की क्योंकि उनको लगता है इस बहाने उनकी खानदान के साथ उनका ताल्लुक जुड़ जाएगा लेकिन अब्बा तो ने तो सालिस और वफ़ा को निकाल दिया सालिस का कैरेक्टर जो है आई वॉन्ट टू सी हाउ विल इट चेंज क्या वफ़ा इसी तरह उसका कोल्ड बिहेवियर सहती रहेगी उसे कोई परवाह नहीं थी उसे ज़रा सा भी एहसास नहीं है कि उसने वफा के साथ किया क्या है नॉट जस्ट डेट कि उसकी शादी ज़बरदस्ती करा दी उसकी कैरेक्टर पर इतनी बड़ी बात आ गई है उसको झूठा कर दिया एंड शी हैज़ बीन लिविंग दिस यू नो दिस reputation ऑफ हर मदर जो उसको हॉन्ट करती है इन बट बट एक बहुत बड़ी चीज़ सब लोग मिस कर जाते हैं जो मुझे समझ नहीं आती कि वफ़ा ने उसी वक्त शिफा का फ़ोन निकाल के क्यों नहीं दिखाया और क्यों नहीं बोला कि देखो इसके मैसेजेस हैं अभी क्यों नहीं स्क्रीन शॉट लेके जाके बोल देती हूँ और वो बता क्यों नहीं रह रही सालिस की माँ को कि मैं नहीं शिफा से आपका बेटा करता था एंड ही वॉज इन स्ट्रॉग इनफ टू से इट आउट देर यू नो तो वो सारी चीज़ें थी बट वेयर इज़ गोइंग वेरी इंटरेस्टिंग आई आई डों माइंड वॉचिंग इट एंड आई लुक फॉवर्ड टू इट अब क्या होगा अब क्या होगा अब क्या होगा ना आई एम वेटिंग टू सी क्या फर्जाद और वफ़ा का कोई ट्रैक होगा यान विल फॉल इन लवर सो ड्रामा इज नादान नादान की ये बात है कि नादान um, पहली दो एपिसोड मुझे लगा बहुत श्रॉक थी ये वाली मुझे थोड़ी सी नीचे डिप जाती हुई लगी क्योंकि थोड़ा स्लो चल रहा था हैदर um, बहुत ज़्यादा घबराया uh, हुआ परेशान था जब उसने जब शुरू में ताबीर से थोड़ी बदतमीजी मतलब बदतमीजी नहीं की थी उसको लिफ्ट नहीं कराई ना तो इवन आई वोज थिंकिंग इसको क्या हो गया है यू नो क्यों इससे बात करा देन आई रियलाइज़ कि उसने तैयब को रिहा कर दिया था एंड ही वॉज इंबेस्ड एंड ही वोज थिंकिंग कि मैं ताबीर को क्या जवाब दूंगा खैर वो इंटरेक्शन भी बहुत मज़े का था कि ताबीर के सामने उसके एक्शन का उसी का जूनियर जो होता है वो क्लैरिफाई कर देता है फिर वो कॉल करके सॉरी बोलती है वट इज़ वाट इज़ तैयब अप टू आई एम ट्राइंग टू फिगर एट आउट क्योंकि वो पीर साहब के घर तो चला गया है और पीर साहब उस पर क्यों गुस्साएँ था, था तो पीर साहब का ही बंदा ये भी मुझे सही तरीके से समझ नहीं आई जस्ट बिकॉज की वो मंशियात के साथ पकड़ा गया था तो पीर साहब की सारी रेपूटेशन ख़राब हो गई इज़ दैट द रीज़न इंटरेस्टिंग बात ये है कि कमर को बुलाया है वापस जो कि पीर साहब की वाइफ के भतीजे हैं अब पीर साहब उसको किस लिए यूज़ करना चाहते हैं आई एम लुकिंग फॉर देट मे बी ही वॉन्ट्स हिम टू रन इन पॉलिटिक्स एंड क्योंकि वो पढ़ा लिखा उससे कहा था धोना बड़ा ज़रूरी है तो वो उसको पॉलिटिक्स में करा के अपनी धाक वहाँ से बिठाएगा क्योंकि अभी तक पढ़े लिखे लोग उसको बुरा कह रहे हैं तो अब नाव ही ब्रिंग अप पढ़ा लिखा बंदा जो उसको एडवोकेट करेगा इज़ दैट वॉट इट लेकिन कमर तो अपनी पुप्पो के फैन है अपनी पुप्पो के साथ ज्यादती होते हुए देख नहीं पाते एंड ही सेज़ के आप कैसे इधर रह रही हैं एंड ही इज़ नॉट हैप्पी जब उसका जब पीर साहब उसकी पुप्पो के साथ ऐसा करते हैं अब अभी तक तो पीर साहब की वाइफ पे ना मुझे काफ़ी तरस आ रहा था ना तो लाइक बिचारी बिचारी बट थिंकिंग इज शी अ बिचारी क्योंकि जिस तरीके से उसने तैयब को मैनिपुलेट किया कि तुम ये करो ये करो और उसको बोला कम, आ, कमर को नहीं पता चलना चाहिए कि पीर साहब की दवाई जो रहती है वो यहाँ से आती है वहाँ से आती है तो वट इज़ शी टू आई एम इवन क्वेश्चनिंग दैट उसामा साहब जो हैं वो अपने अबा की बात सुन के उन्होंने जो यूज़ किया ना हैदर के अगेंस्ट ताबीर को बता के कि तुम तो उसको इतना समझ रही हो उसने भी तैयब को रिलीज़ कर दिया तैयब इज़ द मेन कैरेक्टर हुज़ मेन पिलेटिंग एवरीथिंग हूज प्लेंग दिस ट्रेक्स उसको एक तो धचका लगाया कि पीर साहब ने उसको ऐसे अबैंडन कर दिया बट दैन द पोलिटिशन इज़ विथ हिम सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग नादान आपको एक डिफरेंट साइड की स्टोरी सुना रहा है उधर भी इतनी चीज़ें चल रही हैं कॉम्प्लीकेशन हैं बट इट कीप्स यू होक एंड यू कीप वॉचिंग अब क्या होगा क्या होगा एंड यू आर आई एम फीलिंग्स केयरफुल ताबीर कि यह क्या करेगी इसके साथ क्या होने वाला है तई अब क्या करेगा इकतदार इतदार इंट्रेस्टिंग है आई वॉन्ट टू सी कि मेहरू और शाहनवास की कहानी कहाँ जाएगी लेकिन and ये शायद बात पहले भी मैं कह चुकी हूँ बट मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है बिकॉज हर लेवल पर इक्तदार वो ड्रामा बन जाता है जिसको हम कहते कि नहीं होना चाहिए उससे कुंडी बंद कर दिए मेरू को दीवार के साथ लगा दिया ऐसे शोल्डर की तो पहले तो बात तो ये पूरा सीन जो है ना मुझे लगता है स्टार प्लस के ड्रामों की कॉपी था वहां पे हर ड्रामे में ये होता है कि हीरो जो है वो लड़की को दीवार के अगेंस्ट पुट पुष करेंगे फिर एक हाथ रख के बहुत करीब आके उसको कोई धमकी देंगे या रोमांटिक बात बोलेंगे तो एक तो वो मुझे बहुत अजीब सी चीज़ लगी फिर कुंडी लगा दी उसने और वो चीख रही है और वो चीख भी नहीं रही और उसको कुछ एहसास नहीं था कि क्या करेगा कोई मेरे साथ या क्या हो सकता है लेकिन फिर बड़े उसे शाहनवाज साहब बोलते हैं कि मैं इतना वो नहीं हूँ कि मैं किसी बेबस लड़की का ऐसे फायदा उठाऊँ और समथिंग लाइक दैट देन आई लाइक आप फ़ायदा ही तो उठा रहे थे कुंडी बंद करके आपने उसको धमकाया तो फायदा तो आपने उठाया इस बात का अगेन जितनी टॉक्सिसिटी है अमल uh, के साथ वो लंच पे जा रहा है उसने छोड़ दिया चला गया अमल जो है वो एक टिपिकल लड़की हीरोइन दिखाई है जो विलन होगी जो नेगेटिव जाएगी आगे जाके ऑलरेडी है उसको अपनी ब्यूटी और अपनी खूबसूरती के अलावा कुछ नजर नहीं आता वो मतलब वो इससे आगे बढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है तो दीज आर वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग फैक्टर्स आप कहते हैं यार ये क्यों हम देख रहे हैं ये सदियों पुराने थीम्स हैं बट देन ऑन द अदर साइड आई लाइक राफेज कैरेक्टर आई थिंक राफ़े इवन दो लास्ट एपिसोड में जो ड्रामा कब की हमने कहा था कि मैंने कहा था कि मुझे राफे में इतना इंटरेस्ट नहीं है लेकिन इन

समन जो है वो शाहनवाज की अम्मा वो अपनी अपनी कुछ प्लानिंग कर रही हैं उन्होंने धमकाया वगैरह भी है शाहनवाज भी धमका रहा है धमका रहा है अब ये सब चीज़ें कितनी कामयाब होंगी आई डोंट नो एंड माई क्वेश्चन इज़ जस्ट दैट कि इतनी दोनों के के बीच में इतनी एनिमोसिटी है शाहनवाज और मेहरू के दरम्यान इतनी नफरत है इतना कुछ है मेरू अपने भाई का कात, कातिल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है सो हाउ विल दे बोथ फॉल फॉर ईच अदर एंड वॉट विल हैपन एंड हाउ विल दे गेट मैरिड ये चीज़ मुझे बहुत क्यूरियस कर रही है एंड दैट्स वाई आई थिंक आई आई कीप वॉचिंग इकतेदार मुझे um, मेहरू का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है आई लाइक इट शी इज़ नॉट स्कियर ऑफ एनी वन एंड यू यूजली सीन ड्रामाज के ऐसा नहीं दिखाते हैं एक हद तक होता है न, रियलिटी में भी आप सोचते हैं कि यार क्या इतना बहादुर होना सही है या गलत है लेकिन महरू जो है वो रुक नहीं रही है और वो वो आगे जा ही जा रही है जा ही जा रही है सो आई एम आई एम लाइकिंग ऑल ऑफ दैट बट ऑन सो मेनी लेवल्स इकदार बिकम्स जस्ट दिस वेरी वेरी टिपिकल ड्रामा विच मुझे लगता है वो चीज़ें चेंज कर लेते अच्छा अब वो जो अरूज मैडम है मतलब ये कपड़े पहन के आजकल कौन सी लड़कियाँ इतनी छोटी सी यू नो एज वाइज जो लगती हैं छोटी उनसे ना इतने सीरियस किस्म के डायलॉग उनसे से ये मैनिपुलेशन उनका राफ़े में इतना इंटरेस्ट होना वो मुझसे हज़म नहीं हो रहा इट लुक्स वेरी वेरी इन अप्रोप्रिएट इट डज फिट इन उसकी ड्रेसिंग चेंज होनी चाहिए थी उनको फिर राफ़े के मुताबिक वो राफे से बहुत छोटी वो बच्ची लगती है राफ़े के सामने यू नो सो टू थिंक दैट अ यंग गर्ल लाइक अब बच्ची लुकिंग गर्ल जो है वो इस तरह की चीज़ें कर रही है अजीब सा इंप्रेशन देता है uh, वो नेगेटिव भी नहीं लगती जस्ट लुक्स यू फील इरीटेटेड टू सी दैट यू नो सो आई थिंक उनकी ड्रेसिंग पे द वे उनको प्रजेंट किया गया है वो उस पर काम होना चाहिए था उस पर काम होता तो बहुत हद तक ये फैक्टर कंट्रोल हो सकता था ठीक है जी वी विल गो टू जफा बहुत ही uh, दिल को छू जाने वाली आँख में आँसू लाने वाली एपिसोड थी जब uh, ज़ारा रो रही होती है आई थिंक वो इतना कोई इमोशनल सीन था इतना कोई इमोशनल सीन था कि मैं आपको बता नहीं सकती इवन आई वॉज क्राइंग आई वॉज लिटरली क्राइंग विद हर जो वो कहती है ना एंड आप किसी भी स्टेज पे हों किसी भी एज पे हों जब आप बीमार होते हैं या जब आपको बहुत तकलीफ पहुंचती है तो पहला नाम जो आप लेते हैं वो अपने माँ और बाप का ही लेते हैं एंड अभी मैं कह भी रही हूँ तो मेरे मुझे अजीब सी एक फीलिंग हो रही है एंड दिस इज़ वॉट दे शोड उड की जैसी वो उठती है वो माँ माँ बाबा एंड देन शी अपोलोजाइज एंड यू नो एक छोटे बच्चे की तरह कि मैंने आपकी बात नहीं सुनी एंड एंड देन चीजें से मुझे दर्द हो रहा है इतना कोई रियलिस्टिक इतना कुछ एक रिलेटेबल पॉइंट पे लाके एक आम इंसान के पॉइंट पे लाके उन्होंने सीन को किया कि वो बस आपको आपको रुला रहा था वो सीन और फिर जिस तरीके से वो रो रही थी उसको दर्द हो रही थी वो कहती है मैं नहीं जाऊँगी और फिर वो कहती है प्रॉमिस करें मुझे भेजेंगे नहीं एंड ऑल दैट प्रॉमिस आई विल नॉट डू इट अगेन वो बहुत बहुत दिल को रोने वाला सीन था और फिर उसकी माँ जिस तरह उसको कर रही है माँ बाप आई आई वॉन्ट टू गिव अ बिग शाउट आउट टू बोथ द पेरेंट्स एट दैट पॉइंट इन टाइम उनकी परफॉर्मेंस उनका पूरा जिस तरह का रवैया था जो कुछ था वो बहुत इंपॉर्टेंट था इट प्लेड बिग रोल इन मेकिंग अस फील रियली समॉर ज़ारा वो पूरे सीन को जारा एंड उसके माँ बाप ने मिल के जो बनाया वो बहुत 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 इम्पैक्टफुल था एब्सलूटली लव दैट सीन एंड आपको अगेन ट्रिगर वार्निंग होनी चाहिए थी um, जिसपे आपको होता है कि यार हाँ लड़कियाँ जिन जो उस चीज़ से गुजरी हैं वो इतनी तकलीफ से गुजरी होंगी अब बिग शाउट आउट टू द मेकअप आर्टिस्ट अब बिग बिग शाउट आउट मुझे उनका नाम नहीं पता एंड uh, किसी को पता हो तो ज़रूर लिखिएगा शायद मेरी गलती है मुझे मालूम करना चाहिए था लेकिन जो इतना अच्छा उनका मेकअप uh, किया हुआ है जो चोट का है पहले दिन थो, दो दिन बाद, बाद में भी इट वॉज स्लाइट स्लाइट यू नो बहुत अच्छा वेरी रियलिस्टिक सो इट हैज गॉन बट स्टिल देर एंड यू कैन सी द मार्क्स यू नो बहुत अच्छी बहुत अच्छा मेकअप उनका किया हुआ है ये मुझे अच्छी लगी बात आई थिंक द हाईलाइट ऑफ द ड्रामा वॉज जो जारा का जारा के फादर कहते हैं जब हसन को के पास वो आते हैं जब वो हसन के पास आते हैं एंड आई वाज आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट डायलॉग जो वो कहते हैं ना कि आई विश बा, बाप जो हैं वो लड़कों के पैसे नौकरी और खानदान मालूम करने से के, के बजाय वो लड़कों की मेंटल हेल्थ का चेक किया करें इतना कोई वो पावरफुल डायलॉग था इतना पावरफुल डायलॉग था ना इज़ लाइक वाओ यस मे बी दैट्स द थॉट प्रोसेस जो हमें ज़रूरत है लड़कियों लड़कियों के पेरेंट्स में डालने की मे बी दैट्स द थॉट प्रोसेस दैट द सोसाइटी नीड्स टू थिंक कि वो बंदा कौन है कैसा है राधा देन कि उसकी एजुकेशन उसकी पर्सनलिटी उसके पास पैसा कितना है उसका आ, पीछे का घर कैसा है उसके उसका खानदान कैसा है कि वो इंसान मेंटली सही भी है या नहीं है और दैट मेक्स अस ऑल थिंग आज हम ऑफिस में ही बात रहे थे कि हम कैसे चेक करें कि इस बंदे की मेंटल हेल्थ कैसी है सो ऑफिस इज़ वन प्लेस आई थिंक हम इस पर जरूर कॉन्वर्सेशन करेंगे फ्यूचर पे बिकॉज दिस वॉज सच एन इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड एंड उस वक्त मेरा दिल था मैं खड़ो के जफा के लिए ताली बजाऊ बिकॉज वट अ ब्यूटिफुल मैसेज वॉट अ ब्यूटिफुल थॉट दे इंपॉर्टेंट एंड दैट्स वाई वी से ड्रामाज आर सो इंपॉर्टेंट सो आप में से जो भी कहता है ड्रामा इंपॉर्टेंट नहीं है चिल करो इसको एंटरटेनमेंट लो नहीं जो ड्रामा गलत चीज़ कर रहा है वो ड्रामा आपके आपको इंपैक्ट कर रहा है जो ड्रामा किसी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है किसी की किसी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की सीरियसनेस uh, को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है वो ड्रामा गलत कर रहा है अपने साथ और अपने तमाम साथ लोगों को क्योंकि ड्रामाज एक्टर्स कैरेक्टर्स कॉन्सेप्ट डू चेंज माइंड सेट्स एंड जफ़ा हैज़ शोन एंड जफ़ा ने एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट किया है हमें अवेयरनेस दिलाई है डोमेस्टिक अब्यूज़ के बारे में हाउ एन एम्पावर्ड गर्ल कैन ऑल्सो भी डोमेस्टिक Abused, and how she loses the clarity with which she could, you know, um, make a decision. आई रियली लाइक इट कि ज़ारा को दिखाया कि जारा वो टाइम याद कर रही होती है और यही होता है जिस शख्स के ऊपर ये गुजरा हो वो एकदम से भी किसी ट्रामा से निकल नहीं आता शी इज़ नॉट नॉर्मल और जब दीबू भी आती है तो वो दीबू के साथ लग के रो रही होती है एंड दीबू उसको याद कराती है कि आप तो वो वो लड़की थी जिनको मैं देखती थी हाउ कुड यू डू इट एंड प्लीज़ डोंट डू इट आई थिंक दीबू सेड इट ऑल टू मेक हर रियलाइज़ कि अब आप वापस नहीं जा सकती यू आर अ रोल मॉडल यू मेड अ मिस्टेक वंस यू कैन नॉट मेक दैट मिस्टेक यू नो हसन का क्या होगा आई डोंट नो अभी तक थेरेपी की बात ना जारा ने की है ना हसन के उसमें की है सो so, जफ़ा का ऑब्जेक्टिव uh, कंप्लीट नहीं होगा अगर आपने थेरेपी नहीं दिखाई जारा डज़ नीड थेरेपी एंड ज़ारा इंडिविजुअल केस में बेशक नहीं भी ज़रूरत नहीं हो रही होती लेकिन जारा एक मैसेज इम्पार्ट कर रही है सो आई रियली रियली होप दे शो दैट ज़ारा डज गो फॉर थेरेपी क्योंकि इतनी किसी चीज़ से गुजरने के बाद बहुत ज़रूरी है कि आपको एक मैंटल सकून मिले और आप अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकें आप आपके अंदर जो पर्सनैलिटी में ब्रेक डाउन हुआ है उसको आप सही कर सकें एंड सोसाइटी में जफ़ा जैसे और चीज़ों को नॉर्मलाइज़ कर रहा है ये भी करना चाहिए था अब दीबू और नुमेर की तरफ आएँ मुझे वो ट्रैक जो है ना जितना इंटरेस्टिंग लगता था अब मैं थोड़ा सा डरने लगी हूँ बिकॉज अभी जो ट्विस्ट आया है दैट शी इज़ प्रेगनेट एंड नुमेर कैन नॉट हैव अ बेबी यू नो नुमेर के इनफर्टिलिटी ईशूज़ हैं जो उन्होंने हमें टूवर्ड्स दी एंड दिखाया बिल्कुल तो वो एक बड़ा ही ना टिपिकल किस्म का uh, एक अब uh, ट्विस्ट होने वाला है वेयर ही विल सस्पेक्ट है जो मैंने uh, प्रोमो में भी देखा तो वो मोइस की बात सुन के एकदम से यू you नो know, उसकी तरफ देखता है उसकी अटेंशन आती है तो आर वी गोइंग टू सी दैट नो मेयर इज़ डाउटिंग दीबू तो वो ड्रामा जो इतना अच्छी चीज़ कर रहा था वो एकदम से टिपिकल किस्म के साजिशी प्लॉट पे जाएगा तो आई एम सॉरी आई विल बी वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज उसने कहा था नाइन्टी नाइन परसेंट सो वन परसेंट चांस तो अभी भी है ना दैट नुमर कैन बिकम अ फ़ादर तो अल्लाह पे भी तो कोई भरोसे करने की चीज़ होती है और जाके चेकअप करा लो भाई डी एन ए ज़्यादा मसला है तो लेकिन ब्रिंगिंग डाउट इन दिस स्टोरी विल रियली रियली कॉम्प्रोमाइज जफ़ा फॉर मी एंड आई विल बी वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड मुझे ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता कि अगर वो दिखाते कि नुमेर बच्चा नहीं चाहता था बिकॉज ऑफ़ हिज़ यू नो आइडियोलॉजी हिज़ माइंड सेट और वट एवर और मे बी दैट फिजिकली और अंदर से वो किसी मेडिकली किसी चीज़ के लिए फिट नहीं है कि मेरे बच्चे में भी ये चीज़ ट्रांसफर हो जाएगी समथिंग तो मुझे ज़्यादा समझ आती है दैट इज़ अ इशू देट अ लॉट ऑफ कपल्स फेस इस वे वन पार्टनर वॉन्ट्स टू हैव अ चाइल्ड द अदर पार्टनर डज नॉट वॉन्ट टू हैव अ चाइल्ड या किसी को एक बच्चे के बाद दूसरा बच्चा नहीं चाहिए होता है। तो ये एक टॉपिक था अब ये वाला साजिशी प्लॉट जो है ना मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ देखने में और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगी आई रियली होप दे डू समथिंग एल्स समथिंग बेटर और हम ये साजिशी प्लॉट नहीं देखें कोई और एंगल आ जाए बट जफा इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात दादी हु माई गुडनेस दादी ओफ हाँ तस्सा चढ़ रहा था मैंने कहा कि यार आप देखिए आपकी पोती की जान बच गई वो मरते मरते बच गई उसकी कोई डैमेज हो जाता है दिमाग में डैमेज हो जाता है उसकी कोई हड्डी परमानेंटली टूट जाती उसको कुछ स्कार ऐसा आ जाता जी जाता वो तो बच गई भाई एंड यू आर सेइंग कि अब तुम वापस चली जाना एंड बेटा कुछ नहीं कह रहा बेटा कुछ नहीं कह रहा ठीक है चलो बदतमीज़ी नहीं करनी फॉमली माँ से बोलता आप इस कमरे से चली जाए नहीं मिलने देता और या फिर उनको तक बोलता कि डोंट टॉक लाइक दिस इन फ्रंट ऑफ माई डॉटर बट In a way, they represent द दादी रिप्रेजेंट्स दैट पार्ट ऑफ द सोसाइटी हु सेज इसके शादी मेंटेन करना और चलाना इस प्रायोरिटी उसके लिए आपको जान देनी पड़ जाए अपनी इज्जत खोनी पड़े अपने प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़े वी डोंट केयर बट अ वुमेन हैज़ टू बी मैरिड शी हैज टू हैव अ होम एंड शी हैज टू बी लिविंग विद हर हस्बैंड हजबेंड इट वॉज वेरी वेरी पेनफुल टू सी दादी टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दिस एंड बहुत अच्छी चीज़ थी दैट यू कुड सी दैट जरा वॉज पैनिकिंग जरा वॉज केय जारा वॉज गेटिंग एंग्री फ्रस्टेटेड बट वो पैनिक भी थी कि कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा माइंड चेंज हो जाए कहीं ऐसा ना हो कि कोई मुझे वापस वहाँ पे भेज दे दादी की ये बात सुन के सो जफा ने एक बहुत ही रियलिस्टिक पोर्ट्रेट की ऑफ द होल इवेंट दैट दैटन लास्ट ड्रामा इज अल का वन दरख्त तो बैठे हुए थे मीनू और डॉक्टर नोफल ब्यूटीफुल सीन एंड आई लाइक वो बड़े सेट होके ना मीनू तैयार होके बैठी हुई थी कि भाई अभी वो आएगा एंड नोफल की लाइन भी बड़ी अच्छी थी मैं तुम्हारे पीछे नहीं आया मैं तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे शुक्रिया अदा करने आया हूँ दैट ही क्लैरिफाइड यू नो मजे की नोक झोंक होती है उनकी एंड फिर डॉक्टर नोफल भी ऊपर चढ़ के बैठ गए उनको जाने की इतनी जल्दी क्यों थी वैसे मैं भी सोची हूँ मीनू सही कह रही थी आएँ बैठे तो सही बात तो कर ले अच्छा वो भी टुकड़ों टुकड़ों में बात करी थी दैट होल सीन वॉज वेरी वेरी नाइसली डन वेरी ब्यूटिफुल शॉर्ट एंड बहुत मज़ा आया वो सीन देख के एंड आई वॉन्ट टू नो द डिटेल्स वो कितनी बार टेक हुई कितनी कैमरा कहाँ लगा हुआ था कितनी ऊँची क्रेन थी क्या था गिरे नहीं गिरे चोट लगी और डॉक्टर नोफल कैसे बोल चढ़ते थे हमसा कैसे हो चढ़ते थे आई वुड लव टू नो ऑल दीज डिटेल्स एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी एंड यू कुड सी के मीनू के अंदर कॉन्फिडेंस था क्योंकि उसने अपने बाप को बता दिया जब उसने अपने बाप को बता दिया तो वो पुरसकून थी एंड दिस द सोइंग वाज़ शोइंग सोइंग शोइंग सच अ बिग थिंग जब लड़कियों के, के पास अपने बाप का ट्रस्ट हो वेन अ गर्ल हैज़ हर फादर ऑन हर बैक यू नो उसको पता है कि मेरा बाप मेरे पीछे खड़ा है वो कॉन्फिडेंस ही कोई और कुछ और होता है लड़की का वो सुकून ही लड़की के लिए कुछ और होता है क्योंकि वो फिर पूरी दुनिया से लड़ सकती है वो कहती है आई डोंट केयर माई फादर इज वी एंड इट वॉज ब्यूटिफुली पोर्ट्रेट द वे यू नो मीनू के अंदर ये चेंज आया और वो कहती है कि अब आप मुझसे मिल सकते हैं दूसरी चीज मुझे अच्छी लगी कि मीनू ने बात नहीं बढ़ाई मीनू ने कहा अब आप अपने पेरेंट्स को लेकर आ जाए क्योंकि अब तो मेरे बाप को भी पता चल गया एंड यू नो जस्ट जस्ट मैरी मी सो अगेन अ वेरी ग्रेट मैसेज दट देव सेंड कि इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करो इफ़ यू आर सीरियस दैन गेट मैरिड मीनू इज़ नॉट गोना डू दैट तो ये आ, बहुत अच्छा था बाकी पूरा ड्रामा जो था वो एक्सपेक्टेड था आई लाइक द वे जिस तरीके से उन्होंने किया कि पता चला एफ आई आर तो कटी हुई नहीं थी और मीनू अपनी दोस्त को कन्विंस करके ले आई दोस्त को भी नहीं पता था कि एफ़ आई आर कटी हुई है हाँ मुझे थोड़ा सा लगा कि नोफुल को और अफज़ल को पता होना चाहिए था कि मलिक नादिर ने क्यों उनको वो किया होगा नसरीन का इससे कोई ताल्लुक होगा और नसरीन नज़र भी नहीं आ रही थी सो कुछ ना कुछ तो दाल में काला है बट उनका दिमाग नसर स्क्रीन की तरफ नहीं गया बट आई गेस दे ऑल्सो वॉन्टेड टू शो मलिक नादिर वैसे बड़े ही तेज हैं उन्होंने वाकई एक तीस से दो शिकार किया था कि और उसके बाद भी ही वॉज ही उसने सही प्लानिंग की हुई थी कि उसने घर जो है वो नसरीन को दिया कि मैं बोलूंगा कि मैंने तो कुछ नहीं किया ये तो घर के पीछे इसने जो है ना एफआईआर वापस ली है ये घर की वजह से इसने किया मेरा तो इससे लेना देना नहीं है और मुझे नहीं समझ आई थी कि ये क्या कह रहा है क्योंकि जब उसने नसरीन के मियाँ को बोला ना कि अभी तुम जाओ ये पॉलिटिक्स है पॉलिटिक्स है थोड़े दोनों में उससे कर लूँगा नसीन ये क्या कर रहा है इज ई रियली जस्ट ट्राइंग टू काम डाउन नसरीन एट द मोमेंट एंड ट्राइंग टू शो कि तुमने मेरे ऊपर एहसान किया नहीं थी बट वो भी उसकी एक चाल थी क्योंकि अफजल ने यही बोला अफजल को गुस्सा चढ़ा और इमोशन ने उसने बोला कि घर के पीछे

थैंक गॉड कि अफजल को भी ख्याल आ गया जब उसके इमोशंस डाउन हुए तो उसने रियलाइज़ किया और वो नोफल के पास जाके कहता है कि नसिन ऐसी नहीं है वो तो मैंने गुस्से में इस वक्त बोल दिया था बट नसर ऐसा नहीं करेगी कि दे इज सम रॉन्ग यू नो दैन दे टॉकिंग फिर उसको ख्याल आता है आई लाइक द होल पुलिस वाला सीन क्योंकि जब वो थाने पहुँचा डॉक्टर नोफल मैंने कहा किस तरह इसको धमकी देगा क्या करेगा कैसे कन्विस्ेगा इस थिंग रिकॉर्डेड बट जब वो निकला तो वो सारे खड़े हुए थे मोल डक you know, डंडे को कर रहे थे तो वो अच्छा इफेक्ट था और वो अच्छी चीज़ थी कि देखो हमारे साथ भी लोग हैं गांव से जिन्होंने ये सब चीज़ें देखी हैं वो गवाह हैं तो तुम मसले में पढ़ सकते हो अब उसने बता दिया अब अगली किस जो है वो लास्ट एपिसोड है अब नोफल क्या करेगा मैंने प्रोमो नहीं देखा आई एम क्यूरियस टू नो एंड तो पता की बन की यही बात होती है कि वो कहानी को लेके भी चल रहे हैं लेकिन आपको मैसेजेस भी देते रहते हैं अब वहाँ पर भी कितनी बड़ी बात थी कितना इंपॉर्टेंट मैसेज था जो मीनू ने अपनी दोस्त के थ्रू दिया कि देखो अगर तुम छूट बोल रही हो तो अगली बार कोई तो कोई उसको सीरियस नहीं लेगा और यही होता है तो वो कहता है कि ये तो ऐसे ही बात कर दी लड़की झूठ बोल रही है बड़े बूढ़े सही कहते थे तो मौलवी साहब फौन खड़े हो जाते हैं कि बड़े बूढ़ों की बात कुछ क्यों उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हो जब लड़की कोई बात कहती है उसकी बात सुननी चाहिए तो बड़ा अच्छा दिखाया कि एक तरफ उन्होंने इतना स्ट्रॉग मैसेज मीनू और उसकी दोस्त के थ्रू दिया कि If a girl lies about an attack on her इज़्ज़्ज्ज़्जत अगर अपनी इज़्ज़त के बारे में एक लड़की झूठ बोलती है किसी मर्द पर गलत इल्ज़ाम लगाती है तो वो उन तमाम लड़कियों के कॉज को हर्ट करी है जो फ्यूचर में या जो इस वक्त वाकई इस चीज़ से गुजरी हैं फिर उन्होंने लेके आना भी था कि सच्चाई भी दिखानी है वहाँ पर उन्होंने ये जुमला बोल के मौलवी साहब से ये करवा दिया कि नहीं ई जब भी कोई लड़की कंप्लेन करे उसकी बात को सुनो उसको अटेंशन दो इन्वेस्टिगेट करो डोंट जस्ट रब इट आउट डोंट जस्ट यू नो ऐसे मत उसको खराब साइड uh, पे कर दो कि uh, कि ये झूठ बोल रही है तो ये बहुत दो ज़बरदस्त मैसेजेसत पत्तों के बन ने दिए एंड आई आई एब्सोलूटली एंड इतना कोई खूबसूरत लिखा हुआ है मुस्तफा अफरीदी ने कि मैसेज हैं जुमले में आइडियाज़ हैं एंड इंटरेस्टिंग बातचीत भी है और आप कहीं भी बोर्ड नहीं होते हैं Um, उसके बाद एक और चीज़ थी विच आई वॉन्टेड टू मैंशन जो नोफल के बाप और वो जो पुरानी लड़की है उसके दरमियान जो बातचीत थी कि वो भाई तुम जानती थी पुराने नोफल को अब नोफ़ल चेंज हो गया और तुमने जो धोखा दिया उससे तो वैसे ही नोफल को रियलाइजेशन होगी कि उसको किस किस्म का इंसान चाहिए वो भी बहुत अच्छा था जब उसके नोफल के बाबू उसको बताते हैं कि नहीं भाई मैं जा रहा हूँ एंड हम उसका रिश्ता लेने जा रहे हैं एंड वो सीन भी बड़े मज़े का था जो नोफल के फादर से बात करना चाहते हैं मीनू जंप लगाती है एंड शी जस्ट रन इट अवे रन अवे यू नो तो ये था जरबतो का बन इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब एंड आई थिंक आई एम रियली रियली गोना मिस मीनू डॉक्टर नोफुल एंड एवरीबडी यू नो इन द कमिंग डेज क्योंकि अगले हफ़्ते हम उसकी लास्ट एपिसोड देख रहेंगे तो ये छोटा छोटा रिव्यू मैंने सारे ड्रामों का किया है आई होप आई हैव नॉट मिस्ड एनी थिंग बिग इन एनी ऑफ द ड्रामाज और मैंने सब चीज़ों को केटर कर लिया अगले हफ्ते होपफुली शाजिया अगले ड्रामा गपे आई थिंक uh, शाजिया होपफुली आ चुकी होंगी एंड वी बी टॉकिंग टुगेदर आप लोग आजकल कौन सा ड्रामा देख रहे हैं अपने व्यूज़ कॉमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए we are reading your comments take care and love